इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हम अपने व्हाट्सएप में सिंगल टिक कैसे सेट कर सकते हैं। हम किसी को मैसेज भेजते हैं तो हम चाहते हैं कि सिंगल टिक ही लगे, डबल टिक ना लगे, तो हमें क्या करना पड़ेगा इसमें मैं आपको बताने वाला हूँ। देखिए, इसमें आप एक फीचर लगा सकते हैं व्हाट्सएप के अंदर ही, आईफोन में मैं आपको बताऊँगा कि जब आप यहाँ पर रीड रिसिप्ट को टर्न ऑफ कर देते हैं तो उससे क्या होता है कि जो बंदा आपको मैसेज करता है तो उसमें भी एक ही टिक लगेगा। ठीक है, मतलब आपने उसका मैसेज सीन कर लिया तो उसमें भी एक ही टिक लगेगा एंड यहाँ पर टिक डबल टिक नहीं लगेगा और ब्लू भी नहीं होगा। ठीक है, एंड आपके साथ भी यही सेम सिचुएशन होगी। अब मैं आपको बताता हूँ कैसा आपको ये सेटिंग्स करनी पड़ेगी। सबसे पहले सेटिंग्स में चलते हैं और यहाँ पर जो है हम अपने आईफोन की सेटिंग्स, व्हाट्सएप की सेटिंग्स में जाते हैं एंड उसके बाद यहाँ पर नीचे जाते हैं चैट्स में। तो यहाँ पर प्राइवेसी में जाना है, सॉरी प्राइवेसी में चलते हैं एंड प्राइवेसी में जाने के बाद हमें यहाँ पर प्राइवेसी सारी की सारी यहाँ पर दिख जाती है। और सिंगल टिक, डबल टिक या ब्लू टिक के लिए हमें यहाँ पर नीचे जाना पड़ेगा और रीड रिसिप्ट को बंद कर देना पड़ेगा। इफ़ यू टर्न ऑफ रीड रिसिप्ट, ये आपको बताएगा इस तरीके से, यू वॉन्ट बी अवेल सी रीड रिसिप्ट फ्रॉम अदर पीपल्स, रीड रिसिप्ट आर ऑलवेज सेंड अ ग्रुप्स चैट। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर आपको लिखा हुआ आएगा। तो इसे बंद करना चाहें और टिक को हटाना चाहें या फिर रीड का सिस्टम होना चाहिए। देखिए, जैसे यहाँ पर मैं बंद कर देता हूँ इसे और किसी भी मैसेज को भेजता हूँ, जैसे यहाँ से हम भेजते हैं तो क्या होगा, अब ये जो है डबल टिक लग गया, चाहे अब बंदा पढ़ भी लेगा तो ये ब्लू टिक नहीं लगेगा। ठीक है, तो ये सिस्टम रहता है इसका। अगर यहाँ पर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा।